सर्दी का मौसम हो और गाजर का हलवा ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट मैं तो थोड़ा ज्यादा ही बना लेती हूँ, स्टोर भी कर सकते हैं आराम से, और अगर कोई गेस्ट आ रहे हो या स्पेशल ओकेजन हो, गाजर का हलवा इज एन ऑल टाइम हिट। टेस्ट तो चलो अलग बात है, ये गाजर का हलवा बनाते ही ना खुद का हलवा भी बन जाता है। इतना घी और खोया डलता है इसमें, और अगर ना डालो तो घर वाले डिमांड करते हैं, अरे और घी डालना था ना, और ज्यादा टेस्टी होता। अगर इतना ही टेस्टी गाजर का हलवा कम घी में बने तो ये क्यों हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करें? हाँ, कैसे? इसके साथ मैं यूज करने वाली हूँ रे कुकिंग स्प्रे का घी, एंड इट्स वेरी इजी टू यूज। शेक वेल बिफोर यूज एंड इट्स डन। घी को थोड़ा गर्म होने दें, ये रेगुलर ऑयल से 10 गुना कम यूज होता है। ड्राई फ्रूट्स को सॉटे कर दीजिए, और जल्दी जल्दी करना है नहीं तो वो जल जाएगा। और उसके बाद इसमें आप 250 ग्राम ग्रेटेड कैरेट्स डालेंगे। आई नो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट यू नो हाउ इट टेस्ट्स, राइट? 250 ग्राम गाजर में हम अप्रॉक्सीमेटली 200 ml दूध डालेंगे, खोआ डालेंगे, एक कटोरी बहुत होगा। ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ऐसे स्प्रेड करके डालिएगा ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। वी विल पुट सम कंडेंस्ड मिल्क, मिक्स करके ढक देंगे और 20 मिनट तक इसको ऐसे सिंपल पकने देंगे। अरे वाह, हो गया गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार। इतना टेस्टी और इतना हेल्दी है कि बड़े बच्चे सब खुशी से खाएंगे। नो गिल्ट, नो स्ट्रेस। मेरी नहीं मानते तो हेल्थ मीटर चेक कर लो। तो अपनी रेसिपीज हमें भेजिए, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ मेरी जगह खड़े हो। जब टेस्ट और हेल्थ दोनों मिल रहा है तो फिर सोचना क्या। अब जो चाहो वो खाओ। सी यू लेटर।